हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री। मैं हर्षित और आज हम स्टार्ट करने वाले अपना लेक्चर टू, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस का इनऑर्गेनिक पार्ट। ओके, अब लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा था? क्या एनालिटिकल केमिस्ट्री को तीन पार्ट में पढ़ा था, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब उसमें भी क्वालिटेटिव को किस में पढ़ा हमने? क्वालिटेटिव को पढ़ा दो पार्ट में, एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को किस में? कैटायन और एनायन में। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या? एक ग्रेवोमेट्रिक और एक वॉल्यूमेट्रिक, और उनके भी सब पार्ट्स पढ़े थे, है ना। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस का इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक पार्ट, और इसमें भी दो पार्ट हमारे, एक हो जाएगा कैटायन, दूसरा एनायन। कैटायंस और एनायंस, कैटायंस कौन से हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज। एनायंस कौन से हो जाएंगे? निगेटिवली चार्ज। तो अब क्या कोई सभी स्टार्ट कर लेते हैं कैटायंस या एनायंस? पर नहीं, रुको, क्या जब इनऑर्गेनिक पार्ट में हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम पहले एनायंस का पढ़ते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। क्या पहले एनायंस के टेस्ट करेंगे फिर बाद में कैटायंस के? अब इसका भी एक रीजन है क्यों, जब हम कैटायंस का टेस्ट करते हैं तो कुछ इंटरफेयरिंग आयन होते हैं हमारे, फोस्फेट, फ्लोराइड, बहुत सारे दो तीन और होते हैं, उन सब क्या करते हैं हमारे कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं हमारे क्या टेस्ट में। तो क्या उनको पहले रिमूव आउट करना होता है हमें कैटायंस में, तो इसलिए ताकि हमें पता हो कि हाँ कौन सा इंटरफेयरिंग आयन है, तो इसलिए हम पहले क्या एनायंस का टेस्ट पहले करते हैं। तो एनायंस का पहले टेस्ट करते हैं, और पहले भी हम क्या दो तरह के टेस्ट होंगे हमारे, एक होगा क्या प्रिलिमिनरी और एक कन्फर्मेटरी। तो अगर मैं बात करूँ टेस्ट जब हम परफॉर्म करवाते हैं तो दो मेथड में होंगे, एक तो मैं क्या करूँ ड्राई सॉल्ट से कर लूँ, एक मैं करूँ क्या वेट सॉल्ट से। किससे? वेट सॉल्ट से, मतलब वेट सॉल्यूशन से, यानी कि उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन या वाटर में सॉल्यूशन बनाकर, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ ड्राई की, ड्राई में जनरली मैं कौन से देखूंगा प्रिलिमिनरी, कौन से टेस्ट देखूंगा प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है। वेट से कौन से करूंगा मैं कन्फर्मेटरी वाले, ठीक है। कन्फर्मेटरी टेस्ट कहाँ से होंगे मेरे? वेट वाले से। तो बात आती है ड्राई, ड्राई से पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट जब हम परफॉर्म करवा रहे हैं तो प्रिलिमिनरी हम क्या क्या दे सकते हैं, एक तो कलर, एक ऑर्डर, ठीक है, और इफोरेंस ऑफ गैस। तो अगर मैं कलर की बात करूं एनायंस में, तो जनरली जितने भी मेरे एनायंस होते हैं ना कलर्स के मामले में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता, क्या मोस्टली तो कलरलेस होते हैं, और जो होते भी हैं तो उनका कलर इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वे कैटायंस के जो कलर होता है उसको ओवरकम कर जाएं। तो क्या जो मोस्टली सॉल्ट का कलर होता है मेरा, सॉल्ट क्या होता है मेरा, सॉल्ट मिलेगा मेरे को सॉलिड, जो भी मेरे को सॉलिड सॉल्ट मिलेगा उसका कलर या तो कैटायंस की वजह से होगा या किसकी वजह से, एनायन की वजह से। तो मोस्टली जो कलर होगा वो मेरा किसकी वजह से होगा, कैटायन की वजह से, ठीक है। तो इसलिए क्या कलर का तो हम एनायंस के अपनी एनालिसिस में इतना कुछ खास इफेक्ट देखते नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट की, किसकी, इनऑर्गेनिक पार्ट में एनायंस की। अब एनायंस को क्या तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए, ग्रुप वन, ग्रुप सेकेंड, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड एंड ग्रुप थर्ड। अब इसमें क्या है, इसमें हम पहले लेंगे डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में हम क्या तीन तरह के हो जाएंगे हमारे, एक HCl, एक H2SO4, एक HNO3, ठीक है। इसमें क्या लेंगे हम कंसेंट्रिक एसिड, इसमें भी सेम, अभी इनमें से बताऊंगा कि कौन सा लेंगे और क्यों, इसलिए तीनों लिखे हैं यहां पे, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो गए HCl, H2SO4 और HNO3। ग्रुप थर्ड में जो मेरा कंसेंट्रिक एसिड से भी और डाइल्यूट से नहीं देगा तो उसको हम किस में टेस्ट करते हैं, ग्रुप थर्ड में। और जनरली इसमें कौन से होते हैं, एक तो सल्फेट आयन और एक फोस्फेट आयन, ठीक है, एक सल्फेट आयन एक फोस्फेट आयन। तो बात करते हैं यहां पे कि जब मैं पढ़ रहा हूं कि एसिड कौन से लेना डाइल्यूट, पहली बात क्या ग्रुप वन में मेरे को डाइल्यूट एसिड लेना ही जरूरी है? तो हाँ, ग्रुप वन में क्या हम डाइल्यूट एसिड लेंगे, और उसमें भी कौन सा, क्या HCl ले सकते हैं, H2SO4 या HNO3। तो पहले स्टार्ट करते हैं HNO3 से। तो HNO3 क्या है, इसकी अगर मैं प्रॉपर्टी लिखूं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी कैसा स्ट्रोंग भाई, कैसा स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर मैं इसको अपने ग्रुप्स में एनायंस की एनालिसिस के लिए अगर यूज करूंगा तो क्या होगा, ये मेरे मोस्टली एनायंस को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, तो उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो क्या मेरे रिजल्ट आने से पहले वो चीज चेंज होगी, तो मेरे रिजल्ट ही सो नहीं होंगे पॉजिटिव, तो इसलिए क्या HNO3 को तो हम यूज नहीं करेंगे भाई। HCl और H2SO4, तो इनको हम दोनों को यूज कर सकते हैं, पर प्रेफरली हम किसको यूज करते हैं, H2SO4 को। क्यों, HCl जो होती है वो मेरी क्या होती है, जनरली HCl मेरी जो नेचर वाइज होती है गैस होती है, गैस होती है। जो HCl जो होता है मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब मैं बनाता हूँ तो उसको मैं वाटर में डिजोल्व करके बनाता हूँ, किसको, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर में डिजोल्व करके जब करता हूँ उसको, तो मेरा क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl जब होगा मेरा क्या, लिक्विड में, और लिक्विड में क्या HCl जो गैस होगी उसकी सोल्युबिलिटी बहुत हाई होती है वाटर में, तो क्या मेरा बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड। तो HCl क्या है, मेरी गैस। अगर मैं HCl को यूज करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी जब गैस मेरी इवॉल्व होंगी तो उसके साथ में जो कि HCl की गैस भी इवॉल्व होती हुई दिख सकती है, जो कि क्या मेरी इंटरफेयर कर सकती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं HCl को कम यूज करता हूँ, यूज तो मैं HCl को कर सकता हूँ, पर क्या मैं H2SO4 को यूज करता हूँ, क्यों, सब चीज अच्छी है इसकी, ठीक है, क्या मेरे को एसिड भी मिल रहा है और डाइल्यूटेड भी है, और क्या H+ की कंसंट्रेशन भी अच्छी है। अब H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 मेरा यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस में तीन पार्ट्स में वर्क करता है, एक तो एसिड है ही, दूसरा क्या होगा, ये होगा क्या मेरा एक ऑक्सीडाइज, कहीं कहीं क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करेगा, क्या करेगा, कहीं कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करेगा, ठीक है। तो दो तो यहाँ हो गए, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, पर हाँ कहीं कहीं कर सकता है, वो वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्या अपना ग्रुप सेकंड। तो ग्रुप सेकंड में देखिए मैंने यहाँ पे क्या है, तीन एसिड लिए थे, कंसेंट्रिक H2SO4, कंसेंट्रिक HCl और कंसेंट्रिक HNO3। अब यहाँ पे पहली बात, कंसेंट्रिक HNO3 तो मैं यूज़ नहीं कर सकता भाई, क्यों, क्योंकि HNO3 क्या करेगा, मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मेरे क्या एनायंस को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो जिसका मुझे टेस्ट करना है वो ही नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो क्या कंसेंट्रिक H2SO4 तो मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। अब कंसेंट्रिक HCl क्यों नहीं लेंगे, ये देखिए कैसे, सपोज करो मेरा सॉल्ट में क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन है, मैंने NaCl ले लिया, है ना, NaCl में अगर मैं कंसेंट्रिक HCl डालूँ तो क्या होगा, क्या रिएक्शन प्रोसीड होगी, Cl यहाँ पे भी है, Cl यहाँ पे भी है, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा यहाँ, तो क्या रिएक्शन मेरी नहीं होगी। तो क्या इसलिए मैं यहाँ पे कंसेंट्रिक HCl नहीं ले सकता कि मेरी रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी। अब यहीं से देखते हैं क्या NaCl की जब मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाऊँ और एक कंसेंट्रिक H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाऊँ, तो क्या दोनों अलग अलग मिलेंगे कि सेम मिलेंगे भाई, तो क्या दोनों अलग अलग मिलेंगी, क्यों, ये NaCl डाइल्यूट H2SO4 है, तो यहाँ पे क्या होगा Na+Cl- H+SO4 2-, क्या हो जाएंगे, सब कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे, ये क्या होगा मेरा, सपोज करा सॉलिड भी है, कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे H2SO4 फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो ये भी क्या कहीं ना कहीं मेरी रिएक्शन कंप्लीट नहीं करवा रहा होगा। अब यहाँ पे NaCl की अगर कंसेंट्रिक के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा मेरा, एक तो बन जाएगा क्या मेरा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस HCl गैस इवोल्व होती दिखेगी मुझे, किसकी, HCl की गैस इवोल्व होती दिखेगी यहाँ पे, तो क्या ये, हाँ यहाँ पे रिएक्शन हो रही है क्योंकि मेरे को HCl की गैस इवोल्व होती दिख रही है। अब HCl गैस मेरी जब इवोल्व हो रही है तो ये मेरा क्या है, एक प्रिलिमिनरी टेस्ट शो कर रहा है क्या कि यहाँ HCl गैस इवोल्व हो रही है, तो क्या हो जाएगा मेरा, मे बी Cl प्रेजेंट, ठीक है, तो ये वेपोरेट आउट हो जाएगी मेरी क्या क्लोरीन गैस यहाँ से। अब इसकी कैसी होती है, ये एक स्टीमी फ्यूम्स होती है, वरना भी और भी क्या, मैं एक ग्लास सॉल्ट को किसमें, अमोनिया के सॉल्यूशन में डिप करके अगर इसके नियर अबाउट लाऊंगा तो क्या मेरे एक वाइट पीपीटी फॉर्म हो जाएगी ग्लास सॉल्ट पे, ठीक है, या फिर क्लाउड वाइट क्लाउड फॉर्म हो जाएंगे, तो क्या वो मेरा कंफर्म करेगा क्या HCl गैस इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ से ये बात समझ में आई आपको कि क्या ग्रुप सेकंड में मैं कंसेंट्रिक H2SO4 ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे को HCl गैस इवॉल्व होती दिखेगी, अगर मैं यहाँ पर डायल्यूट यूज़ कर लूँगा तो क्या एक अक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा जो कहीं ना कहीं मेरा रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो क्या यहाँ पे ग्रुप सेकंड में कौन सा लूंगा मैं, कंसेंट्रिक H2SO4, और ग्रुप वन में कौन सा लूंगा,
डायल्यूट H2SO4, ठीक है। अब डायल्यूट H2SO4 भी यहाँ पे इसीलिए ले रहा हूँ मैं, अगर सपोज करो इस ग्रुप वन में मैं कंसेंट्रिक H2SO4 डाल देता हूँ तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एक तो कंसेंट्रिक H2SO4 मेरा क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और यहाँ पे जब कंसेंट्रिक की बात करूँ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अच्छा होगा काफी, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक एसिड तो है ही भाई, ठीक है। यहाँ पे जब मैं इसमें यूज करूंगा इसको तो क्या ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करने लगेगा कहीं कहीं, और रिएक्शंस में कहीं कंसंट्रेशन चाहिए मुझे तो क्या मुझे ये डाइल्यूट H2SO4 लेना पड़ेगा। अब क्यों, यहाँ पे समझते हैं, कंसेंट्रिक अगर H2SO4 है तो मतलब क्या है, 95% से अबव उसकी कंसेंट्रेशन है, ठीक है। अब जब 95 से अबव उसकी कंसेंट्रेशन है तो यहाँ पे क्या है, कंसेंट्रिक अगर मैं बात करूँ H प्लस इन डाइल्यूट और H प्लस इन कंसेंट्रिक कहाँ ज़्यादा होंगे, तो भाई डाइल्यूट में H प्लस मेरे ज़्यादा होंगे, ये ध्यान रखना आप लोग, क्या कि डाइल्यूट में मेरे H प्लस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू कंसेंट्रिक। क्यों, जब मैं यहाँ पर 95% ले रहा हूँ तो मेरा H2SO4 जो है वो कम डिसोशिएट नहीं है, वो क्या है, डिसोशिएट नहीं है, यानी कि H प्लस और SO4 आयंस मेरे अलग अलग नहीं है। पर जब मैं वाटर में डाइल्यूट में बात कर रहा हूँ तो उसमें मेरा वाटर है। अब जब वाटर है, सपोज करो यहाँ पे जब मैं डाइल्यूट H2SO4 की बात कर रहा हूँ तो ये क्या है मेरा H2SO4, यहाँ ऐसे बिना लिखे हम इसको तो क्या लिख सकते हैं, इसको H प्लस आयन 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस, डाइल्यूट का मतलब ये है ना कि ये डिसोशिएट है, तो यहाँ पे क्या मेरे H प्लस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक में मेरा ये डिसोशिएट ही नहीं होगा तो मेरे H प्लस कम होंगे ऑटोमेटिकली। इसीलिए आपने देखा होगा जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको हम कंसेंट्रिक H2SO4 को हम स्टेनलेस स्टील में स्टोर करके रखते हैं, किसमें, स्टील में स्टोर करके रखते हैं, और उसमें ये मेक श्योर करते हैं कि क्या मेरी उसकी कंसेंट्रेशन 95 से बिलो ना जाए, 95 से ऊपर ही रहे। क्यों, अगर 95 से नीचे जाएगी तो मेरे SO4 जो आयंस होंगे वे फ्री हो जाएंगे, और जब वो फ्री हो जाएंगे तो वो क्या, उस सिल्वर के साथ रिएक्ट करके उसको कोरोड कर देंगे। तो इसलिए क्या, कंसेंट्रिक H2SO4 की कंसेंट्रेशन अगर मैं रखता हूँ तो 95 अबव रखता हूँ, और किस लिए, ताकि वो आयंस की फॉर्म में ना हो पाए। तो कंसेंट्रिक H2SO4 में क्या होगा, मेरे H प्लस की कंसेंट्रेशन कम होगी एज कम्पेयर टू किसके, डाइल्यूट H2SO4 के, ठीक है। तो यहाँ से ये बात समझ में, ग्रुप सेकंड में कौन सा यूज करेंगे हम, कंसेंट्रिक H2SO4, डाइल्यूट ग्रुप वन में डाइल्यूट H2SO4, और ग्रुप वन में पढ़ेंगे कौन कौन से हम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फाइड, नाइट्राइड, और कौन सा, एसीटेट, ठीक है। तो ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम, ग्रुप वन में। अब ग्रुप वन में क्या हम डाइल्यूट HCl भी यूज करते हैं, तो डाइल्यूट HCl हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ सिर्फ हमें H+ आयन की कंसेंट्रेशन रिक्वायर है, ठीक है, कि हमें H+ आयन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अपना डाइल्यूट HCl भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो कन्फर्मेटरी टेस्ट में जहाँ हमें लाइम वाटर, सपोज करो हमें उसको लाइम वाटर का टेस्ट ही करना है, तो मैं HCl भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को H+ चाहिए, H+ के साथ CO2 इवॉल्व होगी, CO2 को मैं लाइम वाटर के साथ करवा लूँगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ, पर अगर मेरे को अच्छे रिजल्ट देखने हैं इसमें ग्रुप वन में तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, डाइल्यूट H2SO4, ये मैंने आपको रीजन बता दिया पीछे ही, ठीक है। और ग्रुप सेकंड में कौन कौन से पढ़ेंगे हम, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, और ऑक्सीलेट आयन, सॉरी ऑक्सीलेट कर रहा हूँ, हाँ ऑक्सीलेट आयन, और कौन सा, नाइट्रेट आयन, ठीक है। अब अगर मेरा कोई ग्रुप वन भी शो नहीं करता है, ग्रुप सेकंड भी शो नहीं करता है, तो तीसरे में क्या आ जाएगा मेरा, ग्रुप थर्ड पे जाएंगे हम, अगर वो ना मेरा डाइल्यूट कंसेंट्रिक H2SO4 शो कर रहा है ना डाइल्यूट से, तो क्या हम टेस्ट करेंगे कि फिर किसका, सल्फाइड, सल्फेट आयन का और फोस्फेट आयन का। फिर कौन से बचते हैं हमारे, दो बचते हैं सल्फेट आयन और फोस्फेट आयन, इनको कहाँ देखेंगे, ग्रुप थर्ड में, कब, जब मेरा फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों ही शो नहीं होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना ग्रुप वन का, ग्रुप वन की वीडियो अब स्टार्ट करते हैं अपनी, क्या ग्रुप वन जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इन सब का सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे वाटर में, और क्या पढ़ेंगे, इनके टेस्ट पढ़ेंगे, कौन सी गैस इवॉल्व होगी और उसकी रिजल्ट कैसे शो होंगे, जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होंगे उससे वो हम और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।